है वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है दिव्य पे, वो सभी एल्कलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्कलाइन चीजें उसमें रखी है, वो दिव्य पे चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना। और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस हैं कि देवता हैं। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता है, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए, अर्जुन की छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको। ये आप तय करिए, आप छोड़ता। हम दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे थे फिर से उस, जी हाँ बहुत अच्छा सवाल। जिनको सुबह जूस पीने से कोल्ड होता है, बस इतना सा छोटा काम करें कि जूस में काला नमक डालें। काला नमक आप सबके घर में, तो कभी कोल्ड नहीं होगा। दूसरा, जूस में थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी, जूस में थोड़ा चूना डाल के पिए, जिंदगी में कभी भी कोल्ड नहीं होगा। मात्रा बहुत थोड़ी सी, काला नमक होगा तो कनक के दाने के बराबर काला नमक, एक गिलास जूस में। चूने की मात्रा भी कनक के दाने के बराबर, एक गिलास जूस में। और अदरक, अदरक का रस अगर एक गिलास दूध है, सॉरी जूस है, तो चौथाई चम्मच अदरक का रस। तो या तो अदरक का रस मिला लें, नहीं तो काला नमक मिला लें, नहीं तो चूना मिला लें। जिनको जूस पीने से कोल्ड होता, सर्दी होती है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर बात करें। पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र आप लिख लिया, शायद नहीं लिखा तो फिर रिपीट करा, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना। पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी गटागट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के गटागट गटागट, ये बहुत खराब तरीका पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को क्यों।